छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में सफल संचालन करने के बाद अब राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भी स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक की सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के छत्तीसगढ़ प्रमुख प्रणय अग्रवाल ने अग्रसेन भवन में क्लिनिक का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर, धमतरी व भिलाई में विकलांग बच्चों को नया जीवन देते हुए स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक की टीम अब राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंच चुकी है। डोंगरगढ़ के अग्रसेन भवन में स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक का शुभारंभ समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के छत्तीसगढ़ प्रमुख प्रणय अग्रवाल, स्टेट कोरेस्पोंडेंट राजेंद्र गाड़े, भिलाई संवाददाता सुनील सोनी, ब्यूरो चीफ राजनांदगांव व दैनिक पवट संवाददाता देवेंद्र गौड़े एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। क्लिनिक का शुभारंभ सुबह 10 बजे किया गया, जिसके बाद मरीजों के आने का सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहा। स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक की टीम ने डोंगरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से आए लगभग 18 बच्चों को जांच उपरांत दवाइयां दी। यह टीम प्रत्येक महीने की 5 तारीख को अपनी सेवाएं देगी और धर्मनगरी डोंगरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से विकलांगता को दूर करने का प्रयास करेगी। यहां हम आपको बताते चले कि यह कोई शासकीय संस्था नहीं है, बल्कि होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से निर्धारित शुल्क लेकर विकलांग बच्चों को विकलांगता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले होम्योपैथिक चिकित्सकों की एक टीम है। डोंगरगढ़ के शिविर में डॉक्टर डीके वर्मा, डॉक्टर अल्फिया सिद्दीकी, गायत्री देवांगन, सिरिस लक्ष्मण सोनी ने अपनी सेवाएं दी। आज के इस आधुनिक युग में भी विकलांगता एक अभिशाप बन चुका है, जिसका इलाज एलोपैथिक चिकित्सा ने मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन आज के इस दौर में होम्योपैथिक चिकित्सा में इसका उपचार संभव है। जहां बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े न्यूरोसर्जन दुनिया भर की जांच व इलाज करने के बाद भी बच्चों को ठीक करने में जवाब देते हैं, वहीं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर डीके वर्मा एवं उनकी टीम ऐसे बच्चों को अपनी दवा से नया जीवन प्रदान कर विकलांगता के अभिशाप से मुक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी इस खबर का उद्देश्य किसी संस्था का प्रचार करना नहीं, बल्कि इस देश को विकलांगता मुक्त करके ऐसे माता पिता को उस तकलीफ से निजात दिलाना है जो उन्हें स्पेशल बच्चे की परवरिश करने में होती है, तथा ज्यादा से ज्यादा स्पेशल बच्चों को सामान्य जीवन मुहैया कराने में मदद करना है। डोंगरगढ़ से प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़े की रिपोर्ट। आप कितने समय से इस संस्था में काम जुड़ी हुई हैं? मैं अभी 1 साल हो रहा है इस संस्था से जुड़ के। कैसे बच्चों का इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, मेंटली मतलब जिनको मेंटली रिटार्डेड बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे, जिनको चलने उठने बैठने में तकलीफ है, ऐसे बच्चे, मतलब मेंटल अपन पूरे जितना दिमागी बीमारी का अपन इलाज करते हैं। केवल उनको दवाइयाँ दी जाती है या और भी कुछ उपचार दिया जाता है उनको? नहीं, दवाइयों से ही, हम होम्योपैथिक दवाइयों से ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सरसाइज वगैरह कुछ बेसिक जो अगर लगता है बच्चों में देना चाहिए तो ही हम बताते हैं, नहीं तो सारा कुछ हमारा नर्व्स पे इफेक्ट करके कवर कर लेते हैं। ये दवाइयाँ आप लोग देते हैं, ये कहाँ से आती हैं दवाइयाँ? हम बाहर से मंगवाते हैं इसे। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर अल्फिया सिद्दीकी। मतलब स्पेशल बच्चे के वो अंदर के आता है, मतलब चल के बैठ नहीं सका, इसलिए अपने ही गांव का है वो भी, पहले तो अपने बच्चे को बहुत को दिखाया यहाँ वहाँ, लेकिन उसे कोई जल्द नहीं आया ना, फिर यहीं हेल्पिंग चाइल्ड के नाम से एक एड दिखा पेपर में, तो उसी के माध्यम से संपर्क डॉक्टर के साथ, तो उनको मतलब इस समझो कि उसके बच्चे पूरी तरह से मतलब 80% ठीक हो गया। उसके पास मैं भी गया तो मेरे को भी बताया डॉक्टर के बारे में, तो पहले मैं 4-5 महीने रायपुर गया दिखा, वहाँ मेरे को मतलब बहुत पहले 1-2 महीने तो उतना रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन 1-2 महीने के बाद रिजल्ट देखने को मिला। कितने महीने का बच्चा? महीना इसका 4 साल हो गया। 4 साल का। 4 साल के। अच्छा। कितने महीने से आ रहे हैं इनके पास? इनके पास 2.5 साल हो गए। 2.5 साल अभी ठीक है ना? अभी मतलब इसका तो ऐसा है कि मतलब पूरी 100% इसका वो था ना, अभी हाँ ठीक है, कम से कम 40-50% अभी ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें हम लोग की जो दवाइयाँ हैं वो प्योरली होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और लिक्विड फॉर्म में रहती है, जिसके कि बच्चे को पीने में लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, और ये दवाइयाँ कोई बैड इफेक्ट नहीं करती हैं, और जो बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुई रहती है उस डैमेज सेल को रीजनरेट करके उनको ठीक करती हैं।
किस तरीके के बच्चे अभी तक आए हैं आपके पास? अभी तक हम लोग के यहाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, हाइपोक्सिक चाइल्ड, हाइड्रोकेफेलस, सारे ब्रेन और न्यूरो के बच्चे आते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.